गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल टॉक विद सुनील में। गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है तो मच्छरों की काफ़ी समस्या आती है। मच्छरों के लिए वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं मच्छरों से बचने के लिए, उसमें से एक प्रोडक्ट है ये मॉस्किटो किलिंग बैट, जिसको हम मॉस्किटो बैट भी कहते हैं। लगभग हर घर में इस्तेमाल किया जाता है ये बैट। बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम आती है मॉस्किटो बैट में कि जब हम कुछ समय बाद इसको देखते हैं तो ये काम करना बंद कर देता है और इसके अंदर जो लैंप है वो भी नहीं आता है। तो देखेंगे कैसे इसकी सर्किटरी और कैसे हम बैटरी को चेंज कर सकते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जो मैं वीडियोस बनाता हूँ टेक्नोलॉजी और हेल्थ से रिलेटेड उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये इसका चार्जिंग पॉइंट है और ऑन करने पे इसका एलईडी लैंप भी नहीं आ रहा है और इसको पहले से ही हमने इसके जो स्क्रूज़ हैं वो खोल दिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। आसानी से पुश करके ये खुल जाएगा। छोटी सी पीसीबी दिख रही है आपको, ये इसकी पीसीबी है जिसके अंदर लगभग 2000 वोल्ट जनरेट होता है और ये इसकी बैटरी है, ये चार्जिंग पॉइंट है। लगभग 2000 वोल्ट इसमें जनरेट होता है और सबसे पहले हम इस बैटरी को ही चेक कर लेते हैं क्योंकि एलईडी लैंप भी नहीं आ रहा है। इस निकालते समय हमें पोलैरिटी का ध्यान रखना है और ये वो बैटरी हमने निकाल ली और हम अब इसके वोल्टेजेस चेक करेंगे ताकि हमें पता चलेगा कि बैटरी काम कर रही है, कितना वोल्टेज शो कर रही है। मल्टीमीटर के का रेंज सेट कर लीजिए क्योंकि ये जो बैटरी इस्तेमाल होती है ये 4 वोल्ट की बैटरी, अकॉर्डिंगली आप अपने मल्टीमीटर का वोल्टेज सेट कर लीजिए। देखिए कोई भी वोल्टेज शो नहीं कर रहा है, बिल्कुल 0 वोल्ट शो कर रहा है, यानी कि ये बैटरी बिल्कुल डेड हो चुकी है, बैटरी में कोई भी चार्ज नहीं है। बैटरी को निकालते समय हमें पोलैरिटी का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ से हमने बैटरी निकाली थी, ये दो लीड है उसकी, और निकालते समय आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट कौन सा है, पोलैरिटी कौन सी है, क्योंकि हमें दोबारा से उसी पोलैरिटी के अनुसार बैटरी को फिट करना है। देखिए ये 4 वोल्ट की बैटरी आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगी, ये मैंने मार्केट से लिए और लगाने से पहले इसका भी वोल्टेज हम चेक कर लेंगे कितना वोल्टेज शो कर रहा है। देखिए मल्टीमीटर में आपको दिखाई दे रहा होगा कि लगभग 3.97 लगभग 4 वोल्ट दिखा रहा है ये, और बैटरी बिल्कुल ठीक है। और उसके पोलैरिटी के अनुसार इसको आप सोल्डर कर लेंगे। ये इसका दोनों पॉइंट इसके सोल्डर कर लिए हैं पोलैरिटी के अनुसार। ध्यान रखना है हमें डी सोल्डर करते समय कि कौन सा पॉजिटिव पॉइंट है और कौन सा नेगेटिव पॉइंट है, उसी के अनुसार हमें आगे सोल्डर करने में मदद मिलेगी। देखिए बैटरी हमने कनेक्ट कर लिया है इसके पोलैरिटी के अनुसार और ये इसका पुश बटन है ऑन ऑफ स्विच, जिसको चेकिंग के लिए हमने इसे शॉर्ट कर दिया है। इसको बंद करने से पहले हम देख लेते हैं कुछ, देखिए कुछ आपको साउंड सुनाई दे रहा होगा कि ये दोबारा से काम करने लगा है। देखिए अभी पैकिंग के बाद हम चेक करते हैं। देखिए अभी आपको लाउड साउंड सुनाई दे रहा होगा, स्पार्क भी दिखाई दे रहा होगा,
बैटरी चेंज करने पे बिल्कुल ठीक हो गया है।